हेलो जी। हेलो 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 जी, क्या हाल चाल है जी आप सबका? बहुत बढ़िया बढ़िया हो? बढ़िया ही होने चाहिए, बढ़िया ही होना चाहिए। चलो जी, आज आप बना रहे हैं जी केसडिया, बेक करके, है ना? क्रिस्पी वाले। क्रिस्पी वाले, ठीक है जी। ठीक है जी, आप पैन रख लिया, ऑयल पा लिया जी, ये आप पा देना जी प्याज। ठीक है जी, ठीक है। इसे भी तरीके नाल काट लो प्याज नू, टेंशन नहीं करनी। ये मेरी छोटी सी कढ़ाई, ये मेरी जेड़ी छोटी कढ़ाई है ना, ये देखो एक मिनट आया कि आप रेसिपी बेशक चोरी करो, ये टिकटॉक पे आया, लेकिन जब हमें मौका लगा तो हम आपकी छोटी कढ़ाई चोरी कर लेंगे। भाई मैं तो डर गई, मैंने सोचा आज ही छोटी कढ़ाई में रेसिपी बनाओ। यही कढ़ाई है हमारे पास छोटी, इसी के बारे में कमेंट आया होगा। हाय जी, तुसी कढ़ाई उंजी ले जाओ जी साडे कोलो, कोई गल नहीं जी, तुहानू इन्नी प्यारी लगती है ना, तुसी ले जाओ। मैं सोचा चलो अज इहदे च बना लैने आ, बस हल्का जिहा प्याज कीते, फिर जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च तीनों, इनको हल्का सा हमने कर लेना है फ्राई। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है उदी लहसुन की, हाँ। और ये है जी वेजिटेबल, ये मैं फ्रोजन डाल रही हूँ, आप ताजी सब्जियाँ काटो बारीक बारीक और इसमें डाल दो, ठीक है। ये बीन्स हैं, कॉर्न है, मटर है और गाजर है, बस इनको हल्का सा हमने कर लेना है जी फ्राई। अब साथ ही में थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसमें नमक, स्वाद के अनुसार, थोड़ा नहीं मतलब स्वाद के अनुसार नमक। ये बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ जी, ये सब्जियाँ हो गई। अब ये है जी न्यूट्री, ये है कीमा, कीमा न्यूट्री कीमा, न्यूट्री कीमा। इसको मैंने बॉईल कर लिया था पानी में, उबलते पानी में डाला और हल्का सा नमक डाल के बॉईल कर लिया, फिर ठंडे पानी में धो लिया, पानी बिल्कुल निचोड़ लिया। ये हो गया जी, नमक हमने पहले डाल लिया। अब ये है जी, ये टाको सीजनिंग, ये देखो ये बनी बनाई मिलती है, ये डाल लो, नहीं तो आप यहाँ अपने मसाले डाल लो, इसमें सारा कुछ होता है, सारा कुछ होता है, सब मसाले। मैंने नमक डाला क्योंकि इसमें नमक नहीं होता, अगर हल्का सा है भी वो हमारे लिए तो होता ही नहीं। अपनी सीजनिंग वगैरह अपने तरीके से, ये आपने पूरा ये बन गया आपका। साथ में इसमें हमने डाल दिया ये धनिया, जिहड़ी साडी न्यूट्री है ना, देखो तो बनी पई है क्योंकि आपां बॉयल कर ली चंगी तरह, और बाकी जिहड़ी कसर रह गई ओवन च जाके पूरी हो जाएगी। ये लो जी, ये बन के हो गया तैयार, ठीक है। फिलिंग अपनी फिलिंग रेडी हो गई हमारी। रेडी हो गई है, तो अब ये मैंने लिए हैं जी ये वाले रैप जिनमें हमने केसरिया बनाया। हाँ, एक बार पहले भी, ये गैस बंद कर दूँ, एक बार पहले मैंने रोटी बना के फिर बनाए थे, तब काफ़ी कमेंट्स आए थे कि ये तो रैप मार्केट में मिलते हैं, आपने रोटी क्यों बनाई। लेफ्ट ओवर रोटी पड़ी है, बना लिया स्पेशल रोटी बना, हर समय तो घर में कई बार चीज़ नहीं ना होती, तो हमने वो भी तरीका बता दिया क्योंकि हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट रोटी के भी बन जाते हैं, चाहे बहुत टेस्टी बनी थी। और ये लाई हूँ, अब इससे बना रही हूँ, ठीक है। इनू थोड़ा जहा ठंडा हो लेने देने, हल्का जहा, थोड़ा हैंडल करना आसान हो जो। चलो जी, हाँ जी, ये मैं ट्रे ले ली, ये ऑयल लगाता, ठीक है, बटर पेपर नहीं रखना आप। और ये मैं रैप लिया, ये थोड़ा जहा चीज, और ये वाला मटेरियल अपना गर्मा गर्म, थोड़ा जहा होया तो है ठंडा पर उन्ना नहीं होया, रुका थोड़ी जा रहा है, रुकया नहीं जाता भाई, यही तो प्रॉब्लम है, रुकया नहीं जाता। कोई बात नहीं, इसने अंदर जाके कौन सा ठंडा होना है। लो जी, ये हो गया, अब इसके ऊपर और चीज डाल दिया, इसमें जो हमने न्यूट्री वो डाली है ना, कुतरा दरड़ फरड़ न्यूट्री, एदी जगह तुसी कीमा यूज कर सकते हो, चिकन यूज कर सकते हो। ये बंद, और इसको उठा के हमने बड़े प्यार प्यार से ऐसे यहाँ रख देना है,
ये रख दिया, ये हमने दूसरा लिया, दो ही बनाने हैं हमने। और इस पे भी हमने ये मटेरियल डाल दिया। आप सब्जियों का हिसाब किताब, नमक मिर्च का हिसाब किताब आप अपने हिसाब से कर लो। अगर आपने ये टाको सीजनिंग डालनी है उसके हिसाब से कम ज़्यादा डाल लो, ठीक है ना। तो ये लो जी, वो डाल देते हैं थोड़ा सा। ये और मैंने ओवन जो है 425 पे उसको प्रीहीट कर लिया। तो अब हम रखेंगे इसके अंदर। इजी रेसिपी, मोजा ही मोजा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। हुणे बन दी है, फिर आपसे मिलते हैं हम जी। 8-9 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको निकालते हैं। ठीक है जी। ओह हाँ, ये तू लेके आया था। अब हमने इनको पलटना है। ठीक है जी। क्रिस्पी हो गए? मैं कहती हूँ क्रिस्पी। हाँ, क्रिस्पी। कलर देखो, कलर अब देखो। मैंने उस तरफ ऑयल नहीं ना लगाया, क्योंकि ये देखो कितना ऑयल पड़ा हुआ है। ये सारा इधर लग जाना है। ये तभी इसके नीचे बटर पेपर नहीं रखा, क्योंकि ये ट्रे के कारण ना ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अब हम इनको दोबारा रखेंगे और दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी कर लेंगे। एक मिनट, ये कर लेंगे इसको क्रिस्पी। तो फिर मिलते हैं। ओके। ओहो, ये देखो, ये रेडी है जी। हाँ, 9 मिनट के करीब पहले दिया था और 3-4 मिनट अब दिए हैं, क्योंकि अब ट्रे बहुत गर्म हो गई थी ना, ट्रे तो जल्दी हो गया नीचे से। तवाई बन गई थी, तवाई बन गई सी। और ये 425 425 पे, ठीक है। अब मैं इसमें से उठा के यहाँ रख के फिर काटती हूँ इसको। ये देखो, ओहो हो, क्रंच देखे। थोड़ा और कर दो। ये लो जी, क्या बात है। ये दोनों तरफ से क्रिस्पी और करारे। एक मिनट दिखाना इधर, एक सेकंड। क्या बात है, ये देखो, ये वाला मैं काट दूँ? काट दे, हटा लो हाथ, हटा लो हाथ ना कट जाए। चलो जी, और काट अच्छी तरह, अलग कर दे। चल, ये लो जी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। करें जी प्लेटिंग, करें टेस्ट। बनाओ, ये बच्चे सारियां सब्जियां खा जाते हैं। मेरे तरह बड़े बच्चे भी। और हमने ये इसका वेजिटेरियन वो बनाया वर्जन बनाया। और अगर नॉन वेज बनाना है तो नॉन वेज डाल लो। चलो पहले खा के दिखाने हैं, बड़ी भूख लगी है। ठीक है, ये लो ऐसे। ये लो जी, क्या बात है, करूं जी टेस्ट। कर। फिर आपने आज फूंक नहीं मारी। तू किनारे से खाना थोड़ा सा। ठीक है जी। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे समोसे नहीं होते साइड से क्रंच। ये ना वो हाय, जैसे चिप्स वगैरह हो जाते हैं क्रिस्पी एकदम। असी ना वो हर चीज से समोसे ही पाल ही दे है। ऊपर से चीज वगैरह और जो अपने अंदर मिक्स बनाया न्यूट्री वाला वो भी बहुत बढ़िया टाको। अच्छा बना है ना वो, टाको सीजनिंग के कारण ना वो करारा हो गया। अगर टाको सीजनिंग नहीं है तो टेंशन नहीं करनी। नमक मिर्च, गर्म मसाला, आमचूर डालो, जीरा डालो, धनिया डालो, सूखा पाउडर डालो, उसका पनीर भी डाल लो, कुछ भी। वेजिटेरियन में कुछ भी डालो, नॉन वेज में आप कीमा डाल लो, जो आप खाते हो, जो आप खाते हो। हम उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे कि जो आप खाते हो, नहीं खाते तो ये खाओ, ये जरूर खाओ। ये बहुत बढ़िया, सच्ची बहुत ज्यादा स्वाद। शाम को चाय के साथ अगर खाने पे, और ज्यादा देर भी नहीं लगी, 10 मिनट तैयारी में, 15 मिनट के आसपास अवन में, आधे घंटे से पहले बन गया। वो मेरी छोटी कढ़ाई में तो देर ही नहीं लगी। हाँ, जो बड़ी फेमस कढ़ाई है आपकी, फेमस कढ़ाई। चलो जी, हुणे तुसी बनाओ, खाओ ते मजे करो।
खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो, तो ये बनाओ तो मैं कमेंट्स में दसो कि तुम्हें किदा दे लगे। ठीक है जी, तो बच्चों टिफिन च भी दे सकते हो, बच्चों इन्ने क्रिस्पी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी परौंठी कि क्रिस्पी रहती है, वह तो ठंडी हो जाती है ना, तो बस इनू इदा पीस करके दो। चलो जी, मौजा करो, ऐश करो, बनाओ, खाओ, तो कमेंट्स में दसो किस तरह के लगे तुहानू ये। ठीक है जी, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक इतने सारे प्यार के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ, सच में हमारी तरफ से बाय बाय।